न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रदेश के मुख्य सचिव ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जिले के विकास कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश, कहा खेतों में पराली जलाने पर लगाएं रोक। महाराष्ट्र और हरियाणा में हुए विधानसभा एवं उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में मिली जीत पर राज्यसभा सांसद बोले, प्रधानमंत्री मोदी एवं बीजेपी अध्यक्ष के नेतृत्व में देश में बहाई है विकास की धारा, उसी से हासिल हुई भाजपा की जीत। रामगढ़ थाना क्षेत्र के खिरवनिया गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, एसपी सिटी ने कहा पोस्टमार्टम के बाद होगी स्थिति स्पष्ट। दीपावली व धनतेरस पर्व के मद्देनजर एसएसपी ने गोलघर, विजय चौराहा सहित प्रमुख बाजारों में किया पैदल गश्त, लोगों को दिलाया सुरक्षा का एहसास, कहा खुशी खुशी मनाए त्यौहार क्योंकि गोरखपुर पुलिस है आपके साथ। महाराष्ट्र और हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव एवं उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर झूमे भाजपाई, महानगर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। मिलावटखोरों पर चला खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन का अभियान, लिए गए कुल 76 नमूने। कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति तथा पार्टी पदाधिकारी के पत्नी की हुई चैन की लूट का मुकदमा दर्ज नहीं किए जाने के विरोध में महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने एसपी सिटी को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई किए जाने की मांग। जिला महिला चिकित्सालय में 2 सदस्यीय NQAS की टीम निरीक्षण करने के बाद लखनऊ हुई रवाना, मिली खामियां, SIC को दी खामियों की जांच रिपोर्ट। आयुष्मान योजना के लाभार्थियों से मिले राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, कहा योजना में प्रतिवर्ष हर लाभार्थियों का होगा 5 लाख तक का इलाज। ADMCD की अध्यक्षता में संपन्न हुआ व्यापार बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक, व्यापारियों के समस्याओं को प्रमुखता से निस्तारित करने के निर्देश। खजनी थाना क्षेत्र में हुई हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सपाइयों ने SSP को प्रेषित किया ज्ञापन, सपा जिलाध्यक्ष ने शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग। श्री श्री महालक्ष्मी पूजा नौ युवक समिति और सूरज कुंड धाम जड़ोदान समिति के संयुक्त तत्वावधान में निकाला 51वां भव्य कलश यात्रा। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य सम्मेलन का हुआ आयोजन, गोरखपुर विश्वविद्यालय की नई कार्यकारिणी की हुई घोषणा, विष्णु बने अध्यक्ष तो अरुण बने मंत्री।